दोस्तों बिल गेट्स कहते हैं, आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती है। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एग्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे बाकी सारे दोस्त उस सब्जेक्ट में पास हो गए। जो पास हो गए वह सब मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों रतन टाटा कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। दोस्तों स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है वैसे ही उसको मंजिल मिलती है। दुनिया मजाक उड़ाए या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को हमेशा अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं, मुझे हमेशा से ही यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मैंने कभी भी इस पर एक मिनट भी शक नहीं किया। और दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं 7 फुट की दूरी को नहीं देखता, मैं बस 1 फुट की दूरी को देखता हूँ और उसे मैं पार कर लेता हूँ। आपको भी अपनी ज़िंदगी में 100 वजह नहीं चाहिए, बस एक ही वजह चाहिए उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं। और ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़्यादा नहीं, बस एक ही मकसद काफ़ी है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड हर उस इंसान के हाथ में दे सकता हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। अपनी पहली सफलता के बाद कभी भी विश्राम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो केवल एक तुक्का थी। इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। दोस्तों 19 साल की एक छोटी सी उम्र में कोई इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, जवाब है बहुत कुछ। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया मार्क जकरबर्ग ने, जब उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बना डाली। और मार्क जकरबर्ग कहते हैं, वो सवाल जो मैं लगभग हर दिन अपने आप से पूछता हूँ, क्या वो मैं सबसे ज़रूरी काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। दोस्तों मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप कोशिश करें और असफल हो जाएं, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना करें। और चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा कहते हैं, आज बुरा है कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। और मोहम्मद अली कहते हैं, मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने अपने आप से कहा, हार मत मानो, अभी सह लो और बाकी की पूरी ज़िंदगी एक चैम्पियन की तरह जियो। मोहम्मद अली कहते हैं, मैं सबसे महान हूँ, मैंने तब कहा था जब मुझे पता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक महान चैम्पियन बनने के लिए आपको इस बात में यकीन करना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर नहीं हैं तो होने का दिखावा करिए आप श्रेष्ठ हैं। दोस्तों मोहम्मद अली कहते हैं, चैम्पियंस जिम में नहीं बनाए जाते, चैम्पियन किसी ऐसी चीज़ में बनाए जाते हैं जो उनके भीतर कहीं होती है। एक डिज़ायर, एक ड्रीम, एक विल पावर, एक स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन विल पावर स्किल्स से भी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। वो सामने खड़े पहाड़ नहीं है जो आपको थका देते हैं, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़े जो आपको थका देते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।